भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। दो दिन में विश्व की कई अहम मुद्दों का हल निकाला गया। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। 2024 में ब्राजील करेगा समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को शुभकामनाएं दी। लूला ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। G20 के मंच से पीएम मोदी की अपील, कहा वक्त के साथ बदलाव जरूरी। यूएनएससी में बढ़ाई जाए सदस्यों की संख्या। इस साल के नवंबर तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास। पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल बैठक का रखा प्रस्ताव। समिट के आखिरी सेशन में वन फ्यूचर पर चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी पर फोकस रहा। भारत मंडपम के मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री। G20 की कामयाबी के बाद हाथ हिलाकर पत्रकारों का अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया अहम मुद्दों का G20 में निकल सकता है हल। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने पीएम मोदी से गले मिलने की एक तस्वीर शेयर की। संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा, वसुदेव कुटुंबकम। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी का बड़ा बयान, कहा भारत दुनिया की पांचवी महाशक्ति। दिल्ली की कामयाब बैठक का रूस हुआ कायल। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, ये समिट एक मील का पत्थर साबित हुआ। पीएम मोदी की मेजबानी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो रूस के विदेश मंत्री से गर्मजोशी से मिलते दिखे। डिक्लेरेशन में रूस का नाम ना लेने पर यूक्रेन ने उठाए सवाल। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कट कॉपी और पेस्ट कर आप नाराजगी जाहिर की। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने दिल्ली डिक्लेरेशन को बताया बड़ी उपलब्धि, कहा फैसलों पर मिलकर करेंगे काम। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने पर भारत को बधाई दी, कहा भारत की वजह से यह मुमकिन हो पाया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रॉन बोले, G20 का आयोजन सफल रहा, भारत ने मंच से दिया एकता का संदेश। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, ऐतिहासिक G20 समिट के लिए नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का धन्यवाद। पीएम मोदी की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। खालिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। G20 के यादगार आयोजन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले, शानदार मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से अलग होगा इटली। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद फैसला लिया। राजघाट पर लगा महाशक्तियों का जमावड़ा। बापू को दी गई श्रद्धांजलि, उनके आदर्शों को किया गया याद। श्रद्धांजलि देने के दौरान गाया गया बापू का पसंदीदा भजन, वैष्णव जन फ्लावर रिंग लेकर मेहमानों ने सुनी। राजघाट पर भी दिखी पीएम मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम सुनक की केमिस्ट्री, तीनों नेता हर जगह साथ नजर आए। राजघाट पर मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया। सभी नेताओं को खादी का शॉल उड़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। तीसरे सेशन से पहले ही वियतनाम के लिए रवाना हो गए। G20 देशों के प्रमुखों की कई तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में ऋषि सुनक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से बैठकर बात करते दिखे। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। करीब 40 मिनट तक स्वामी नारायण मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति के डिनर पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन से नीतीश और हेमंत सोरेन की मुलाकात कराई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहे। जीतन राम मांझी ने जताई नीतीश के एनडीए में जाने की आशंका, कहा पहले पीएम से दूरी बनाते थे लेकिन G20 में पीएम मोदी के साथ दिखे। डिनर के दौरान पीएम मोदी की हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात हुई। खिंचवाई तस्वीर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, गंगा आरती में भी शामिल। अमित शाह ने दिल्ली डिक्लेरेशन पर बनी सहमति को लेकर पीएम मोदी को दी बधाई। सदस्य देशों को भी शुभकामनाएं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल का बयान, कहा पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से घोषणा पत्र पर सहमति बन सकी। शाहरुख खान ने G20 की कामयाबी के लिए पीएम मोदी को बधाई दी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में एकता के साथ बढ़ेंगे आगे। एबीपी न्यूज से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से चीन और पाकिस्तान दोनों को मिला जवाब। G20 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दुनिया के नेताओं को पीएम मोदी पर है भरोसा, वो स्टेट मैन की तरह है। समिट पर शरद पवार बोले, देश में ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी करना हमारा कर्तव्य है लेकिन चांदी और सोने की प्लेटें पहली बार देखी गई। अखिलेश यादव ने G20 को लेकर बीजेपी पर किया कसा तंज, लिखा मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग, देश के लोग बस 5 किलो अनाज भरोसे। G20 समिट की कामयाबी पर एक्टर अनिल कपूर ने पीएम मोदी को बधाई दी, लिखा आपकी कड़ी मेहनत से विश्व का भविष्य उज्जवल होगा।
पेरिस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नाम बदलने के बहाने वो देश के इतिहास को नकारना चाहते हैं। राजस्थान में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा खुद को भूमि पुत्र कहने वाले आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। टोंक में प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज खाना बनाने से लेकर मकान बनाने तक के सामान महंगे। टोंक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान शिक्षा स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों में नंबर वन, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भगवान शंकर का अभिषेक किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। G20 के बहाने कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरा, एक्स पर लिखा प्रदेश में घोटालों से भरपूर, शिवराज सरकार का G18 चल रहा। फडणवीस के औरंगजेब वाले बयान पर उद्धव का पलटवार, कहा मैं औरंगजेब से जुड़ा हुआ हूं तो आप 2 साल क्यों हमारे साथ। चंद्रबाबू नायडू की ACB कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन के लिए भेजे गए सेंट्रल जेल। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने घोसी उपचुनाव में हार मानने से इनकार किया, कहा उम्मीदवार दारा सिंह का चेहरा लोगों ने पसंद नहीं किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के विध्वंसक हमलों को किया नाकाम, ताबड़तोड़ दागी मिसाइल। युद्ध के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री की गुहार, सहयोगी देशों से की जंगी बारूद और हथियारों की बात। युद्ध के बीच जापान के विदेश मंत्री पहुंचे यूक्रेन, कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई। कीव पहुंचे अमेरिका के पूर्व राजनयिक जेलेंस्की के साथ रूस पर नई पाबंदियों को लेकर बात हुई। नीदरलैंड्स के हेग में जलवायु पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चीन का बड़ा दावा, कहा चीनी सेमीकंडक्टर के आयात पर बैन लगाने से अमेरिका का नुकसान, चीन को फायदा। बलूचिस्तान में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, इलाके की पुलिस के साथ पाकिस्तान की सेना भी शामिल। इसराइल में लगातार जारी है न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन, तेल अवीव में जुटे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, चारों तरफ बर्बादी का मंजर। भूकंप के बाद युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। मोरक्को का पहाड़ी इलाका हुआ तबाह, भूकंप में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हांगकांग में हाइक्वी तूफान से हाहाकार, सड़कों पर पानी का सैलाब, गाड़ियां भी डूबी। ग्रीस में विनाशकारी बाढ़ का अटैक, पूरा शहर पानी में डूबा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा G20 समिट ढाक के 3 पार, देश में बेरोजगारी चरम पर है, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी। यूपी के बलिया में ओपी राजभर ने बीजेपी की जीत का दावा किया, मंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले हम बिल्कुल मंत्री बनेंगे। बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा G20 समय की बर्बादी, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा वो मूर्ख मंत्री। पटना से झारखंड के देवघर पहुंचे लालू राबड़ी, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। पटना में हम पार्टी की बैठक, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन भी मौजूद रहे, संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के सामने नई मुश्किल, परमहंस आचार्य ने सप्ताह में 2 दिन दलितों द्वारा आरती कराए जाने की मांग की। आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व सीएम को गिरफ्तार किया गया। एमपी के जबलपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यात्रा में हिस्सा लिया। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। भारत पाकिस्तान के बीच आगे का मैच अब कल खेला जाएगा, बारिश की वजह से आज का मैच रोका गया, अभी भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन। सूर्य की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 मिशनयान ने लगाई एक और छलांग, पृथ्वी की नई कक्षा में रखा कदम। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया शूटर हैरी, 2022 में हुई थी। पूरे देश में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर, मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ तक बप्पा के भक्त कर रहे हैं तैयारी। लद्दाख के न्योमा में भारत दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाएगा, 12 सितंबर को राजनाथ सिंह जाएं करेंगे इसका शिलान्यास। अयोध्या में क्रूज सेवा की शुरुआत, श्रीराम के जन्मस्थल से लेकर विराम स्थल तक होगा जटायु क्रूज का सफर। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, अभी शव की पहचान नहीं हो पाई। गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील खान ने लिखी अपनी बायोग्राफी, किताब का नाम है गोरखपुर ऑक्सीजन त्रासदी। यूपी के बस्ती में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर कंटेनर में घुसी एक बेकाबू कार पर खच्चे उड़े, एक शख्स की मौत। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिकल कंपनी में आग लग गई, फायर इंजन की 27 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के मुरैना में लगातार बारिश से मची तबाही, सड़कें जलमग्न, मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। मथुरा में पुलिस और तस्कर की मुठभेड़, करीब
सवा किलो मादक पदार्थ के साथ हथियार भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में शराब के ठिकानों पर छापा मारने गई पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़, दो तस्करों को लगी गोली, तीन गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में पुल से नदी में गिरा ट्रक, चालक की मौके पर मौत, पुलिस ने क्रेन से निकलवाया ट्रक। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर आया भारी मलबा। मसूरी में बारिश और कोहरे के कारण दो कार की जोरदार टक्कर, 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। यूपी के जालौन में मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबर, बिना मजदूरी किए खाते में डाले पैसे, ग्राम प्रधान पर 70% कमीशन मांगने का है आरोप। नोएडा सेक्टर 30 में मर्डर से मचा हड़कंप, वकील रेनू सिंघल की घर में की गई हत्या, पति पर आरोप। तेलंगाना के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, हैदराबाद में पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी, पंप की मदद से की जा रही है निकासी। यूपी के ललितपुर में 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश, गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के कारण यूपी के फिरोजाबाद में किसान परेशान, मिर्च बाजरा और धान की फसल डूबी, किसानों को काफी नुकसान हुआ। मथुरा में भारी बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल, कई इलाकों में भरा पानी। एमपी के मुरैना में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंसा, घंटों खड़ी रही ट्रेन, एक यात्री की मौत। राजस्थान के धौलपुर में जोरदार बारिश से बड़े सड़कें बनी दरिया, 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अचानक ठंड बढ़ गई, केदारनाथ धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी ने तोड़ा 74 सालों का रिकॉर्ड, 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा।